जी नरेंद्र, मेरा नाम श्लोक परमार है, मैं करजत से हूँ। मैं आज बनाने वाला हूँ रोटी रोल। तो ये हमने स्टॉप करेंगे। तो रोटी रोल का पूर्ण बनाने रोटी रोल बनाने के लिए हमने लिया है कच्चा केल, दो कच्चे केले बॉईल करके स्मैश किए हुए हैं, पनीर घर में बनाया हुआ पनीर जिसे स्मैश किया हुआ है, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, चाट मसाला, नींबू का रस, शिमला मिर्ची बॉईल किए हुए, स्वीट कॉर्न, कॉर्नफ्लोर जिसमें पानी डाला हुआ है और ग्रीन मिर्ची। तो ये रोटी रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है कच्चे केले, उसमें डालेंगे पनीर, बाद में हम डालेंगे कैप्सिकम, बाद में हम डालेंगे स्वीट कॉर्न, बाद में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नींबू का रस। हम डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची और अब इसे हम अच्छे से थोड़ा सा नमक। तीन ही बांडे भी हो जो बांडे जो तीन ही जो बांडे और बाद में हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमने आटा लिया है जिसमें जीरा, नमक और थोड़ा सा तेल डाल के गूंद लिया है। तो इसका हमने लोइया बना लिया है। तो हम सूखे आटे में थोड़ा सा लेंगे और ऐसी छोटी रोटी बनाएंगे इसकी। छोटी रोटी बना ली है तो हम इसे अब साइड से कट कर लेंगे अच्छे से, ऐसे कट कर लेंगे। और अब इसकी हम इसकी स्ट्रिप्स बना लेंगे। तो हमने इसकी स्ट्रिप्स बना ली है और बाद थोड़ा सा पूरन डाल लेंगे और इसे अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। दूसरी स्ट्रिप में भी वैसे ही पूरन डाल देंगे। तो हम ये रोल्स को कॉर्नफ्लोर में अच्छे से डिप कर लेंगे। सारे रोल्स को हम ऐसे ही अच्छे से डिप कर लेंगे। हमने अब तेल गरम कर लिया है और ये हम इसमें डाल देंगे। तो हमने ये सब फ्राई करने को डाल दिए हैं। ये 2 मिनट ऐसे ही रखे। अब हमारे ये रोल्स रेडी हो गए हैं। Thank you.
अभी हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। सबसे पहले इमली की चटनी लेंगे, और बाद में इनको टूथपिक में डाल देंगे। तो हम ये यहाँ पे रख देंगे और थोड़ी सी शेव रेडी है।